नमस्कार, स्नेहा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीटरूट के हलवे से बीटरूट का पराठा। बीटरूट का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए बीट, 4 बीट ले लिए हैं हमने, उनको कद्दूकस कर लिया इस तरह। इसको हम डाल देंगे। हम बीटरूट का हलवा माइक्रोवेव में बनाने जा रहे हैं। अब मैं इसमें डालूंगी फ्रेश मलाई, 1 कप के करीब है। इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 इलायची के दाने हैं, इनको भी हम इसमें मिला लेंगे। अब हम इसको ढक्कन लगा देंगे और माइक्रोवेव के लिए रख देंगे। करीब 5 मिनट पहले इसको माइक्रोवेव कर लेंगे। 5 मिनट रखने के बाद हमने इसको निकाल के चलाया था, फिर 5 मिनट रखा था। टोटल 10 मिनट्स हमने इसको माइक्रोवेव में कर लिया है। उसके बाद ये इस तरह हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर, जो कि हमने घर में ही बनाया हुआ है। 1 लीटर दूध का पनीर है ये। इसको हम इसमें मिला देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप चीनी। चीनी इसमें ज़्यादा ही डलती है क्योंकि बीट जो रहता है थोड़ा सा कसैला, मतलब थोड़ा तीखापन रहता है, अलग स्वाद रहता है उसमें, तो शक्कर ज़्यादा रहने से वो थोड़ा अच्छा लगता है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बीट के बहुत फ़ायदे हैं। ये शरीर में हमारे खून को बढ़ाता है। एनीमिक होने पर डॉक्टर सलाह देते हैं बीट खाने की, तो बीटरूट को हलवे के रूप में खा सकते हैं। मैं इसको फिर से माइक्रोवेव करने के लिए रखूंगी ताकि शक्कर भी घुल जाए और पनीर भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। कोशिश करके पनीर अच्छे से मैश करके ही डालिए आप इसमें। हम इसमें वापस से ढक्कन लगा लेंगे और फिर से 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख देंगे। पाँच मिनट करके 2 बार चलाने के बाद देखिए हलवा एकदम रेडी हो गया है। आप इसे चाहे तो ठंडा सर्व कर सकते हैं, चाहे तो गर्म सर्व कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे है। और आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं या काजू से गार्निश भी कर सकते हैं। बीटरूट के हलवे का पराठा बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे इस तरह आटे की लोई और इसको हम बेल लेंगे। बीच में थोड़ा सा घी लगा लेंगे इस तरह। और इसको फिर से बेलेंगे। इस तरह फुलका हमने बेल लिया है। अब हम उसमें घी लगाएंगे थोड़ा सा। वैसे हलवे में ऑलरेडी घी डला हुआ है, नहीं भी लगाने से चलेगा। अब हम भर देंगे इसमें ये हलवा। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और इसको गुजिया की तरह लपेट लेंगे। इसको गरम तवे पर सेक लेंगे। गरम गरम तवे पे हम इसको इस तरह डाल देंगे और धीमी आंच पे हम इसको सेकेंगे। इस तरह हम धीमी आंच पे सेक लेंगे। धीमी आंच पे इस तरह हमने पूरा उसको सेक लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। बीटरूट का पराठा खाने के लिए तैयार है ना, कितना मजेदार। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसे लगी? बीटरूट का पराठा ये दिखने में जितना मस्त है, खाने में भी उतना बहुत बढ़िया है। तो कृपया कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।
आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।